सर ये बताइएगा कि जो दो एम्बुलेंसेज मिली हैं इनकी फॉर्मेशन क्या है और जो टोटल कितनी हो गई हैं, और इस हवाले से अब जो कोड़पक्का की आवाम उन्हें क्या मजीद तिबी सहूलियात दी जा सकती है। कोड़पक्का में पहले रेस्क्यू 112 की दो एम्बुलेंसेज खिदमत अंजाम दे रही हैं। इस वक्त वज़ीर आला पंजाब की तरफ से दो एम्बुलेंसेज नहीं दी गई हैं जो लेटेस्ट इक्विपमेंट के साथ इक्विप्ड हैं। इसमें हम किसी भी मेजर एमरजेंसी में जख्मी होने वाले लोगों को ज़्यादा से मकदार में और ऑक्सीजन की सप्लाई करते हुए ले जा सकते हैं। इसके अलावा इसमें और बहुत सारे इक्विपमेंट्स हैं जो किसी भी नागहानी सूरत हाल में एमरजेंसी मैनेजमेंट में ज़रूरी हैं, जो इन एम्बुलेंसेज में मौजूद हैं। इंशाल्लाह इन एम्बुलेंसेज की और इन इक्विपमेंट के जरिए हमारा स्टाफ कोड़पक्का की आवाम को बेहतर एमरजेंसी सर्विसेज और रेस्क्यू सर्विसेज प्रोवाइड कर सकेंगे। कोड़पक्का में जो रेस्क्यू सेंटर जो है उसमें जो आपका अमला तैनात है, तो आप उसको किस हवाले से कैसे देखते हैं, कितना एक्टिव है, उनको क्या मजीद ज़रूरत है या इदारे को मजीद किस चीज़ की ज़रूरत है? रेस्क्यू का स्टाफ हमेशा से डॉक्टर रिजवान नसीर हमारे डीजी हैं उनकी डायरेक्शंस पर अमल करते हुए अपने आप को फिट रखते हैं, और हर शिफ्ट से पहले हमारा स्टाफ फिटनेस की ट्रेनिंग ज़रूर करते हैं। इसके अलावा भी हम अपने स्टेशन पर मुख्तलिफ एमरजेंसीज के सिनेरियो के मुताबिक एक्सरसाइज करके स्टाफ को फिट रखते हैं, एक्टिव रखते हैं और प्रोफेशनली साउंड रखते हैं, और हम इस अंदाज से अपने स्टाफ के स्किल को इम्प्रूव करते रहते हैं। तो मैंने अपने स्टाफ को फिजिकली और स्किल के हिसाब से फिट पाया। आपके सामने अभी उन्होंने एक एक्सरसाइज की थी जिसमें उन्होंने 100% अपने आप को प्रूव किया कि वो फिट हैं और प्रोफेशनली बेहतर अंदाज में अपनी सर्विसेज दे सकती हैं। मैं फर्दर इनको मजीद डायरेक्शन दूंगा कि अपने आप को मजीद फिट रखना है और अपने स्किल को और इम्प्रूव करना है ताकि हम बेहतर अंदाज में आवाम की खिदमत कर सकें। मजीद रिक्वायरमेंट्स क्या हैं सेंटर? सेंटर इस वक्त तो जो हमें एम्बुलेंस की ज़रूरत थी वो हमारे पास आ गई हैं और जो हमारा स्टाफ मौजूद है, इंशाल्लाह हम इन्हीं स्टाफ के जरिए आवाम की खिदमत कर सकें। स्टाफ की भी जरूरत है? ऐसा जो स्टाफ अवेलेबल है वो हमारे पास मौजूद है, हम उनके जरिए खिदमत कर सकेंगे। थैंक यू। ऐसा हो जाए उसमें आदमी अनकॉन्शियस हो जाता है। अब अनकॉन्शियस को लोगों को नहीं पता ये जिंदा है या मर। अच्छा, जब कोई आदमी खुदा ना खासा सडन हार्ट अटैक के साथ होता है तो 4 से 6 मिनट का टाइम वो है जिसमें अगर हम उसको फर्स्ट एड दे दें, CPR की शक्ल में, कार्डियोपल्मोनरी रेसुसिटेटर CPR करते हैं, अगर इसकी शक्ल में हम दे दें तो उसका दिल दोबारा हरकत करने लग सकता है। इस तरह हम एक आदमी को बचा सकते हैं, जिंदगी की तरफ ला सकते हैं। बचाने वाली ज़ात अल्लाह की कोशिश है हमारी, तो वो हम आपको बताएंगे कि हम किस अंदाज में करते हैं।